आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल कह रहा है, प्लांट्स डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शोज इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। यानी कि अगर हमारे प्लांट के अंदर जिंक की कमी होती है तो कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है उसके बायोसिंथेसिस पे पड़ता है इफेक्ट, हमें वही बताना है। बायोसिंथेसिस क्या होती है, किसी भी चीज़ को अगर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। तो ये तो मेरी बात हो गई किसकी, बायोसिंथेसिस की। अब हमें बताना है कौन से ग्रोथ हार्मोन की बायोसिंथेसिस जिंक की वजह से हो जाती है इंटरप्टेड। तो मैं आपको बता देता हूँ जो जिंक होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, एंडोजेनस हार्मोन को बनाने के लिए, जो कि होता है हमारा IAA। जो IAA होता है ये होता है हमारा इंडोल 3-एसिटिक एसिड। बात करूँ इंडोल 3-एसिटिक एसिड IAA के रोल के बारे में, तो ये हमारी मदद करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। प्लांट ग्रोथ इसकी ज़रूरी होती है, सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा इंडोल 3-एसिटिक एसिड है ये मदद करता है हमारे प्लांट की एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। अब आप पूछेंगे एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, तो एपिकल डोमिनेंस होती है हमारे जो प्लांट की हाइट है वो एपिकल डोमिनेंस की वजह से ही बढ़ती है, क्योंकि जो IAA है ये हमारा एपिक्सिस पे बनता है। जो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम के एपिक्सिस होते हैं उसके ऊपर हमारा IAA बनता है और हमारे प्लांट की हाइट को बढ़ाने करता है ये मदद। तो अगर हमारा जिंक कम होगा तो हमारा IAA नहीं बनेगा। अब बता दूं यहां पे IAA कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, तो IAA होता है हमारा एक टाइप का ऑक्सिन। हां जी, जो हमारा ऑक्सिन होता है वो हमारा IAA होता है जो प्लांट के अंदर बनता है। तो बता दूं आपको जो जिंक होता है वो देखा गया है बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, किसकी, हमारी ऑक्सिन्स की। तो अगर ऑक्सिन्स नहीं होंगे, मतलब अगर जिंक नहीं होगा तो ऑक्सिन नहीं बनेगा, और अगर हमारा ऑक्सिन नहीं होगा तो प्लांट है वो शॉर्ट रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर कौन सा होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सिन। तो हमारा राइट आंसर हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 11-12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।